तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी ड्रग्स प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. जावयाला वाचवण्यासाठी नवाब मलिक एनसीबीवर दबाव आणत असल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला होता. तो खोडून काढताना मलिकांनी समीर वानखेडे यांच्यावर आणखी एक धक्कादायक आरोप केला आहे. वानखेडे दररोज 70,000 शर्ट वापरतात, तसंच माझ्या जावयाकडून एनसीबी अधिकाऱ्यानं लँड क्रुझरची मागणी केली होती असा आरोपही मलिकांनी केला आहे. आज साथियों मैं और एक जानकारी दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र के जेएनपीटी पोर्ट पर 3 कंटेनर 51 टन पॉप सीड जो पोस्ता होता है, अफीम का बीज होता है, वो 15 दिनों से पोर्ट पर है. हम जवाब चाहते हैं डीआरआई से कि 15 दिन में आपने केस रजिस्टर क्यों नहीं किया, क्यों एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. भयंकर खेल इस देश में चल रहा है. ज्ञानेश्वर सिंह टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं, किसी भी अधिकारी का शर्ट 1,500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है. हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं, मोदी साहब से भी आगे निकल गए. पतलून 1,00,000 रुपये की, पट्टा 2,00,000 रुपये का, जूता 2,50,000 रुपये का, घड़ी 50,00,000 रुपये की, 25,00,000 रुपये की, 30,00,000 रुपये की. एक अपराइट अफसर में सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा. अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपये की है. वीवी सिंह नाम का कैरेक्टर सबसे महान है इस एनसीबी में. मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब मेरे दामाद को बुलाया गया तो वीवी सिंह ने कहा कि आई वॉन्ट टू बाय लैंड क्रूजर. अगर मेरे दामाद से लैंड क्रूजर की बात करते हैं तो क्या खेल चल रहा था, खुलेगा. और मैं सारी चीज़ों को, ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके एक एक सबूत हम रखेंगे. वानखेड़े गिरफ्त में आ गया तो लोग खुलकर सामने आएंगे. और वीवी सिंह जिसे इसके पहले करप्ट है करके साइड में रखा गया था, वानखेड़े ने फिर इस खेल में उतारा है. कहीं ना कहीं पूरा रचा रचाया उगाही का धंधा है. तर भाजपच्या सत्तेच्या सावटाखाली देशात ड्रग्सचा व्यापार होतोय आणि क्रूज पार्टीत भाजपचा हात होता याबाबतचे पुरावे देणार असं वक्तव्य काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढेंनी केलंय. इनोव्हा गाडी सापडली ती रवींद्र कदम यांच्या नावानं आहे. तो व्यक्ती कराडचा होता, त्याच गाडीत पैसे गेले, तीच गाडी एनसीबीनं वापरली असंही लोंढे म्हणाले. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या भाजपचा हात आपल्याला दिसतो आहे. या सगळ्यांनी सुरुवातीला आमचा कोणाशी एक दुसऱ्याशी संबंध नाही अशा पद्धतीची चर्चा केली होती, पण आता एकामागून एक खुलासे जे होत आहेत, एकामागून एक पुरावे जे येत आहेत, त्या पुराव्याच्या अनुषंगाने स्पष्टपणे दिसत आहेत की यांच्या सत्तेच्या सावटाखाली, यांच्या अधिकाराखाली हा ड्रग्सचा व्यापार जो आहे तो मोठ्या प्रमाणावर या देशामध्ये चाललेला आहे.